गोरखपुर ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में राप्ती रिवर के किनारे बसा यह शहर गोरखनाथ मठ की वजह से पूरे भारतवर्ष में जाना जाता। बताया जाता है कि गोरखपुर को पूर्वांचल का आईटी सिटी के रूप में विकसित करने के लिए आज गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी कई सारे महत्वपूर्ण परियोजना पर काम कर रही है। तो आइए देखते हैं गोरखपुर के कुछ अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा 2023 में बनाकर पूरे किए जाने हैं। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, और हाँ साथ ही साथ फैमिली मेंबर्स को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। 2023 में इनोग्रेट होने वाली गोरखपुर की पहली बड़ी प्रोजेक्ट है महायोगी गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी। योगी जी की ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में तैयार हो रहा है आयुष यूनिवर्सिटी 52 एकड़ लैंड में फैला होगा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 250 करोड़ की लागत से इसे बनाया जा रहा है, जिसकी फाउंडेशन स्टोन 28 अगस्त 2021 को रामनाथ कोविंद जी द्वारा रखा गया था, जिसे अगले 18 मंथ में इसे कम्प्लीट करके इसे बनाकर पूरा किया जाना प्रस्तावित था। रिपोर्ट्स की बात करूं तो फिलहाल लैंड एक्विजिशन और अर्थवर्क का काम किया जा रहा है, जल्दी कंस्ट्रक्शन शुरू हो सकती है। अपडेट्स की बात करूं तो लैंड एक्विजिशन का काम पूरा कर लिया गया है, अभी फिलहाल फाउंडेशन वर्क किया जा रहा है और उम्मीद है 2023 एंड तक यह बनकर तैयार हो जाए। वैसे ऑफिशियल्स का भी कहना है कि 2023 में यह पूरी तरह से ओपन हो जाएगी, जो कि एक शानदार और हाईटेक आयुष यूनिवर्सिटी होगा। इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत यूनानी, होम्योपैथी, योगा, नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल साइंस और भी अनेकों फील्ड में यहाँ पे स्टडी की जाएगी, जो कि एक शानदार यूनिवर्सिटी होगा। बताया जाता है कि इस यूनिवर्सिटी को गोरखनाथ पीठ द्वारा एक हट के रूप में शुरू किया था, जो आज योगी आदित्यनाथ जी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में इसे आज एक शानदार और वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित कर रही है। ऐसे में देखना होगा कि यह 2023 तक ओपन होती है या फिर डिले होता है। गोरखपुर की दूसरी बड़ी प्रोजेक्ट है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। यूपीडा द्वारा बनाया जा रहा है एक्सप्रेसवे 91 किलोमीटर लंबा सेक्शन होगा, जिसे 4 लेन के रूप में एप्को और दिल्ली बिल्डिंग कॉन द्वारा दो अलग अलग पैकेज के रूप में तैयार कर रही है। पहला पैकेज एप्को और दूसरा दिल्ली बिल्डिंग कॉन द्वारा तैयार कर रही है, जो कि आज के डेट में अंडर कंस्ट्रक्शन है। बताया जाता है कि गोरखपुर लिंक को 5876 करोड़ की लागत से तैयार कर रही है, जो गोरखपुर के जेतपुर विलेज को आजमगढ़ के सलारपुर विलेज को कनेक्ट करेगी, जिसमें उत्तर प्रदेश के 4 डिस्ट्रिक्ट कनेक्ट होंगे, जैसे गोरखपुर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर और आजमगढ़। अब इसकी अगर मैं अपडेट्स की बात करूं तो ओवरऑल यह 60% का काम पूरी तरह से कम्प्लीटेड है, और बताया जा रहा है कि यह मिड 2023 में इनॉग्रेट भी हो सकती है। ऐसे में कहीं ना कहीं इनॉग्रेट होने के बाद इस रीजन में कनेक्टिविटी तो अच्छी होगी होगी, साथ ही साथ रोजगार के नए अवसर खुलेंगे, रोजगार बढ़ेंगे और साथ ही साथ नया नया इन्वेस्टमेंट भी आएगा। ऐसे में देखना होगा कि ये गोरखपुर लिंक, जो कि योगी जी की भी एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, वो मिड 2023 में ओपन होती है या फिर डिले होता है। 2023 में इनॉग्रेट होने वाली गोरखपुर की तीसरी बड़ी प्रोजेक्ट है गोरखपुर कैंट रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इंडियन रेलवे द्वारा डेवलप किया जा रहा है स्टेशन एक सैटेलाइट स्टेशन के रूप में बनाया जा रहा है। बताया जाता है कि स्टेशन को 40 करोड़ की लागत से विकसित कर रही है, जिसके अंतर्गत 2 नए प्लेटफॉर्म, न्यू होटल्स, वेटिंग रूम, मीटिंग्स रूम, रेस्टोरेंट, कॉन्कोर्स, फूड ब्रिज, लिफ्ट, एस्केलेटर, पैसेंजर टर्मिनल इत्यादि को बहुत ही शानदार तरीके से वर्ल्ड क्लास के रूप में 3 अलग अलग फेसेस में तैयार करेगी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फेज 1 का काम पूरी तरह से कम्प्लीट है, वहीं फेज 2 और फेज 3 पर आज के डेट में काम चल रहा है और जल्द ही यह बनकर भी तैयार हो जाएगा। ऑफिशियल्स और न्यूज के अकॉर्डिंग पता चलता है कि सितंबर अक्टूबर 2023 में यह स्टेशन को बनाकर इनॉग्रेट किया जाना है, जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पे यात्रियों को अच्छी सुविधाएं मिलेगी और आने वाले समय में यहाँ पे यात्रियों की भीड़ भी बढ़ेगी। ऐसे में देखना होगा कि यह कैंट रेलवे स्टेशन, जिसका आज के डेट में रीडेवलपमेंट हो रहा है, वो कब तक रीडेवलप हो पाती है। 2023 में इनॉग्रेट होने वाली गोरखपुर की तीसरी बड़ी प्रोजेक्ट है गोरखपुर एयरपोर्ट एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। उड़ान स्कीम के तहत एक्सपेंशन किया जा रहा है गोरखपुर का एयरपोर्ट। 28 मार्च 2021 को चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में फाउंडेशन स्टोन रखी थी, जिसे 42 एकड़ लैंड के रूप में 27 करोड़ की लागत से नया टर्मिनल को बनाया जा रहा है। टर्मिनल बनाने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है यहाँ पर काफी तेजी से ट्रैफिक इंक्रीज हुई है और इसी के वजह से इस एयरपोर्ट का एक्सपेंशन किया जा रहा है। अपडेट्स की बात करूं तो गोरखपुर एयरपोर्ट एक्सपेंशन का लगभग काम पूरा हो गया और मे भी इसी साल फरवरी तक इसकी इनॉग्रेशन भी हो सकती है। इनॉग्रेट होने के बाद प्रतिदिन तकरीबन 7500 पैसेंजर को हैंडल करेगी, जो फिलहाल सिर्फ और सिर्फ 5000 पैसेंजर को पर डे हैंडल कर पाती है। 2023 में इनॉग्रेट होने वाली गोरखपुर की अगली बड़ी प्रोजेक्ट है इंडियन ऑयल बायोफ्यूल कॉम्प्लेक्स। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा बनाया जा रहा है बायोफ्यूल कॉम्प्लेक्स गोरखपुर के धुरियापुर में 50 एकड़ लैंड में तकरीबन 1000 करोड़ की लागत से विकसित कर रही है। विकसित होने के बाद बताया जा रहा है कि तकरीबन 280 टन पर डे कॉम्प्रेस्ड बायोगैस यानी कि CBG को प्रोड्यूस करेगी। वहीं अगर इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं तो पता चलता है कि योगी जी द्वारा सितंबर 2019 में इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी थी, जो आज लगभग 80% का काम पूरी तरह से कम्प्लीट हो गया। उम्मीद है कि मार्च 2023 में योगी जी द्वारा इसका इनॉग्रेशन कर सकती है। ऐसे में देखना होगा कि इंडियन ऑयल का यह बायोफ्यूल कॉम्प्लेक्स मार्च 2023 तक ओपन होती है या फिर डिले होता है।
गोरखपुर की नेक्स्ट बड़ी प्रोजेक्ट है गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। 700 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे के रूप में प्लान किया गया प्रोजेक्ट भारतमाला परियोजना फेज 2 का हिस्सा है, जिसे 100 मीटर चौड़ी सड़क के रूप में प्लान किया गया। एक्सप्रेसवे गोरखपुर के रास्ते शामली तक जाएगी, जो अम्बाला शामली एक्सप्रेसवे को वहां पे कनेक्ट करेगी। इस पूरे एक्सप्रेसवे के अंतर्गत 22 डिस्ट्रिक्ट और तकरीबन 35 तहसील को कनेक्ट करेगी, जिससे कहीं ना कहीं इस रीजन में कनेक्टिविटी इंक्रीज होगी, इन्वेस्टमेंट आएंगे और नए नए रोजगार के अवसर खुलेंगे। एक्सप्रेसवे की अगर अपडेट्स की बात करूं तो आज के डेट में DPR और जमीन अधिग्रहण काम को शुरू कर दिया गया है, जल्द ही कंस्ट्रक्शन शुरू हो सकती है और उम्मीद है कि आने वाले 2024-25 तक यह बनकर तैयार हो जाएगी। गोरखपुर की नेक्स्ट बड़ी प्रोजेक्ट है गोरखपुर सोनावली रोड प्रोजेक्ट। 80 किलोमीटर के रूप में प्लान किया गया रोड प्रोजेक्ट 4 लेन के रूप में 1500 करोड़ की लागत से बनाया जाना। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यह रोड प्रोजेक्ट HAM मोड के रूप में तैयार होगी। अभी फिलहाल यहां पे जमीन अधिग्रहण का काम किया जा रहा है PNC इंफ्राटेक द्वारा जल्दी जल्दी इसकी कंस्ट्रक्शन को शुरू कर सकती है और 2024 एंड तक बनाकर पूरा किया जा सकता है। तो बस देखना होगा कि 2024 तक यह बनकर तैयार होती है या फिर डिले होता है। गोरखपुर की अगली बड़ी प्रोजेक्ट है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। उत्तर प्रदेश की पहली होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के रूप में प्लान किया गया प्रोजेक्ट योगी जी की ड्रीम प्रोजेक्ट भी है, जिसकी फाउंडेशन स्टोन जून 2022 में रखा गया था। पूरा इंस्टीट्यूट 25 करोड़ की लागत से बनेगा, जो पूरा 5 एकड़ एरिया में फैला होगा। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि यह स्टेट इंस्टीट्यूट होटल मैनेजमेंट गीडा के अंतर्गत बनाया जा रहा है, जो कि गोरखपुर का एक इंडस्ट्रियल प्लान सिटी है। आने वाले समय में इस गीडा के अंतर्गत 10,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होनी है, उन्हीं में से एक होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भी है। अपडेट्स की बात करूं तो जमीन अधिग्रहण का काम को पूरा कर लिया गया और आज की डेट में यहां पे फाउंडेशन वर्क भी किया जा रहा है, जिसे 2024 एंड तक बनाकर पूरा किया जाना है। तो देखना होगा कि प्रदेश का पहला होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट अपने कहे समय से पहले तैयार होता है या फिर डिले होती है। गोरखपुर की नेक्स्ट बड़ी प्रोजेक्ट है कांडला गोरखपुर गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। 10,000 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा है LPG पाइपलाइन प्रोजेक्ट 2,757 किलोमीटर लंबा सेक्शन होगा, जो न सिर्फ हिंदुस्तान की बल्कि दुनिया का सबसे लंबा गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट भी होगा। यह प्रोजेक्ट गुजरात के कांडलापुर से शुरू होते हुए मध्य प्रदेश के रास्ते गोरखपुर पहुंचेगी, जिससे कहीं ना कहीं 25% LPG गैस को आपूर्ति करेगी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग नरेंद्र मोदी जी द्वारा 24 फरवरी 2019 को इसको फाउंडेशन स्टोन रखी थी, जिसे 2024 तक बनाकर पूरा किया जाना प्रस्तावित था। प्रोजेक्ट की फंडिंग 50% इंडियन ऑयल, 25% भारत पेट्रोलियम और 25% हिंदुस्तान पेट्रोलियम द्वारा किया जा रहा है और आज की डेट में तकरीबन कम्प्लीट भी हो गया और mid-2023 में इसका इनॉग्रेशन भी हो सकता है। तो बस देखना होगा ये mid-2023 में ओपन होती या फिर डिले होता। गोरखपुर की नेक्स्ट बड़ी प्रोजेक्ट है गोरखपुर मेट्रो। लाइट मेट्रो के रूप में प्लान किया गया प्रोजेक्ट 27.41 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर होगा, जिसके अंतर्गत 27 स्टेशन को प्लान की गई है, जो कि 2 लाइन के रूप में इसे बनाया जाना है। वैसे तो इसकी डेडलाइन 2024 दे रखी है, बट मुझे नहीं लगता कि 2024 तक ये बनकर तैयार होगी, क्योंकि यहां पे कोई भी तरह की कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही। हालांकि आज के डेट में फेज 1 के तहत 14 किलोमीटर सेक्शन को डेवलप करने की अनुमति जरूर मिली है, बट इसमें भी 2026 तक का भी समय लग सकता है। बट देखना हो कि यह 2024 में ओपन होता है या फिर नहीं होता। गोरखपुर की नेक्स्ट बड़ी प्रोजेक्ट है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। 520 किलोमीटर के रूप में प्रपोज किया गया एक्सप्रेसवे भारतमाला परियोजना फेज 2 के अंतर्गत बनाया जाना। एक्सप्रेसवे 6 लेन के रूप में बनाया जाना है, जो कि एक एसएस कंट्रोल हाईवे होगी। यह एक्सप्रेसवे यूपी के रास्ते बिहार और बंगाल को कनेक्ट करेगी, जिसमें बिहार का तकरीबन 416 किलोमीटर का हिस्सा शामिल होगा, वहीं उत्तर प्रदेश का 84 किलोमीटर और बंगाल का सिर्फ 19 किलोमीटर का सेक्शन होगा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जल्दी यहां पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो सकती है। अभी फिलहाल यहां पे लैंड एक्विजिशन काम को शुरू किया गया है और 2023 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू करके 2026 तक इसे बनाकर पूरा किया जाना है। तो बस देखना होगा कि ये कब तक बनकर तैयार होता है। इसके अलावा भी आज गोरखपुर में कई सारे मेगा प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि गोरखपुर प्रयागराज वाया लखनऊ वंदे भारत ट्रेन को 2023 में शुरू किया जा सकता है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट का काम भी 2023 में शुरू हो सकती है। ताज द्वारा रेडिसन ब्लू के रूप में तकरीबन 100 करोड़ रुपए की यहां पे इन्वेस्टमेंट की जानी है। गोरखपुर वाराणसी एक्सप्रेसवे का भी कंस्ट्रक्शन इसी साल हो सकता है। रामगढ़ तालाब में फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कॉम्प्लेक्स को बनाया जाना प्रस्तावित है, जो 2023 में ही कंस्ट्रक्शन शुरू हो सकती है। गोरखपुर रेल ब्रिज का भी काम किया जा रहा है, जो कि इसी साल इनॉग्रेट भी हो सकती है। गैंडारी द्वारा तकरीबन 700 करोड़ रुपए की यहां पे इन्वेस्टमेंट की जानी है। 6 लेन फ्लाईओवर, जो कि पेदलगंज से लेकर ट्रांसपोर्ट नगर चौराहा तक बनाया जाना, इसको भी इसी साल कंस्ट्रक्शन शुरू हो सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट गीडा, जो कि IT सिटी होगी गोरखपुर की, इसके अंतर्गत 2023 में तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होनी है, जहां पे पेप्सिको, TCS, इन्फोसिस, महिंद्रा, रिलायंस जैसी कई सारी बड़ी कंपनियां होगी जो यहां पे इन्वेस्ट करेगी। ऐसे में कहीं ना कहीं 2023 गोरखपुर के लिए एक बहुत ही शानदार ईयर रहने वाला है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में गोरखपुर कैसे बदलता है और क्या क्या नई नई इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाली। फिलहाल आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। होप वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इंटरेस्टिंग लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज दोस्तों को भी शेयर करें, फैमिली मेंबर्स को भी शेयर करें और हाँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।